टिकटॉक कर दे सकते हो आप, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियो हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को बिल्कुल 80 की स्पीड में भगाती हुई हमारे घर की साइड, और रास्ता ही बहुत ही सुहाना और हमको मजा आ रहा है। अभी हम अपने घर की साइड आ चुके हैं और ये हमारा मेन डोर है। और दूसरी साइड चलते हैं। अभी हम स्केरी डोल का हाउस बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक कर दे। इधर हर तरफ गंदगी पड़ी हुई है, इधर ड्रॉअर एक लगी थी मुझे ओपन करके देखना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। ओ इधर एक सिगरेट राइस से बना हुआ है, चलो देखते हैं आगे क्या क्या है इसके अंदर। ओ भाई ये तो लॉकर है, शायद ये लॉकर उसी वाला है जो हमको गाड़ी के नंबर प्लेट डालनी पड़ेगी। 98 हमने इसको डाल दिया। ओ भाई लॉकर खुल चुका है, इसमें देखते हैं क्या मिलता है। इसको इधर ही फेंक देते पिक्चर पीस को। इधर हमको मिल चुका है एक कॉइन, इसको भी इधर ही फेंक देते हैं और चलते हैं वापस की साइड। ओ भाई स्केरी डोल वो नीचे की साइड ही थी, देखो। ओ चलो वो जा चुकी है, अभी हम इधर देखते हैं क्या मिलता है। ओ भाई हमको मिल चुकी है चाबी, इससे हम इस वाले डोर को ओपन कर लेते हैं। मुझे कैसे लग रहा है मेरे पीछे स्केरी डोल आ रही है। ओ अरे अच्छा वो अंदर की साइड चली गई, वरना हमको मारती बहुत बुरा डोजी डलती अच्छी तरीके से। अरे ये गेट के लगने आटे के खुलता है बंद होता है ऑटोमेटिकली। अभी हम इधर से अपना कॉइन उड़ा लेते हैं और चलते हैं डायरेक्ट छत के ऊपर झूले से। चलो झूला झूलो झूला झूलो झूला झूलो। अभी हम पूरी ताकत लगे से झूले झूल रहे हैं और ये देखो तुम्हारे भाई की सुपर वाली जंप। अभी हम घर की छत पर आ चुके हैं, तो चलते इधर एक स्टेचू होगा जिसको हमको ये कॉइन देना है। अरे स्टेचू भाई साहब ये लो कॉइन और हमको बता स्टोरी आखिर क्या हुआ था। हमने बेड पे एक आदमी लेटे हुए एक हो रहे थे और वो बोले थे इसको बच्ची से बोल रही तुम मेरी बच्ची नहीं हो। अभी इस स्टोरी लाइन को देखने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ऐसे करते हैं अभी घर के अंदर चलते हैं डायरेक्ट, मेरे ख्याल से इधर नीचे से उतरते हैं बेस्ट रहेगा हमारे लिए। चलो नीचे उतरते हैं फटाफट, ऐसा क्यों लग रहा है मुझको स्केरी डोल ने देख लिया है। ओ वो पीछे आ रही है, भागो भागो भागो। अरे भाई साहब मुझको मत मारो, मेरे पीछे मत आओ। ओ भाई बच गए वो तो वापिस लौट गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इधर वाले रास्ते से चलते हैं अंदर की साइड, उसको जाने दो। अभी हम इस वाले डोर से इस वाली साइड आ चुके हैं और इधर वाले डोर को चेक कर लेते हैं। इधर हमको एमओ मिल चुकी है, इधर भी एमओ है, इसके अंदर देख भी नीचे वाले की साइड। इधर फ्यूल है, लाइटर का फ्यूल है। अभी हमको लाइटर ढूंढना पड़ेगा, लाइटर इसमें भी लाइटर नहीं है। इधर क्या, इधर हमको मिल चुका है लाइटर। चलो इसको फ्यूल अप कर लेते हैं, अभी हमने लाइटर को पूरी फ्यूल अप कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट गाड़ी के पास, अपनी गाड़ी किधर की साइड। ओ स्केरी डोल हमारे पीछे आ रही है। ओ हमको देख तो नहीं लिया इसने, मेरे ख्याल से नहीं देखा इसने अभी हमको। अभी जाओ जाओ कहाँ जा रही है भाई, तुमको बहुत ही काम है लगते। चलो तुम अपना काम कंप्लीट कर लो, तब तक मैं भी अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ। ये हमारी गाड़ी है, हम इसके पास आ चुके। ये वाली बर्फ हमने लाइटर की मदद से पिघला दी है, देखते हैं इसके अंदर। ओ भाई हमको शॉटगन मिल गई है भाई, अब इसके रिडोल को एक शॉटगन मारेंगे तो वो बेहोश हो जाएगी। अभी इसमें एमो नहीं है तो एमो भी चाहिए। इधर क्या बना हुआ है, इधर एक स्टोर रूम है, देखते हैं खुलता है नहीं। अभी इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। अभी शॉटगन की एमो मिल चुकी है हमको, इसके लिए डोल इधर आते नहीं रही।
अभी इसको इधर ही देखते हो, देख दिया बस चल कर इसके रिडोल इधर की साइड आती है या नहीं। आज इसके रिडोल में इधर हुआ, जल्दी किधर हो भाई, मेरे एक बार मेरे सामने आओ, मैं तुमको एक कुछ देना चाहता हूँ। अरे वो आ गए इसके रिडोल इधर, अरे भाई इधर की साइड पीछे तो देख, अरे इधर इधर पीछे देख, अरे इधर 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 की साइड ही है। अब देखो तुम एक शॉट इनके हेड शॉट मारेंगे पट्टी से, ये हो चुकी है बेहोश 50 सेकंड के लिए, तब तक हम इसके घर में लूटा पैट कर देते हैं। अभी हमको और शॉटगन की एमो चाहिए, अभी हम इधर की साइड आ चुके हैं, इस ड्रोन में ने शॉटगन की एमो देखी थी, चलो एमो उठा लेते और चलते हैं वापस स्टोर रूम की साइड। अरे गेट खोलो, अभी हम इसको स्टोर रूम की साइड जा रहे हैं, उसके लिए डोल उधर ही डली है। अभी हम इधर की साइड आ चुके हैं, इस सीढ़ी में गोली मारते थे ओपन हो चुकी है, अभी हमको पिक्चर पीस लेकर आनी है और उस स्टेचू को देना है यहाँ पर ऊपर की साइड। अभी इसके लिए डोल यही सो रही है, चलो हम फटाफट उस पीस को उठा लेते हैं अंदर साइड से, यहाँ पे डलन गई वो पीस, इसको उठाते हैं और डायरेक्ट चलते हैं उसी स्टोर रूम में, चलते हैं फटाफट। ओहो अभी हमको देखना ही पड़ेगा उठना जाए, अभी इसका वेट कर लेते हैं उठने का, देखो गाइस वो भी उठने ही वाली है, ओ उठ गई वो, अच्छा वो अंदर की साइड चली गई। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं स्टोर रूम में, वो जा रही, देखो देखो वो जा रही, उसको जाने देते हैं पहले अभी और फिर हम चलते हैं डायरेक्ट। अभी हम डायरेक्ट स्टेचू के पास चलते हैं और देखते हैं आगे की स्टोरी वो हमको क्या दिखाता है। अभी ऊपर की साइड चल, अरे मैं अटक गया, अरे निकलो निकलो, अरे भाई साहब स्टेचू भाई साहब आगे की स्टोरी बताओ क्या है। अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे की स्टोरी के लिए। अभी ये लड़की यहाँ पर अपनी ढोल के साथ बैठी और इसकी मम्मी है इसको ढूंढते हुए आ गई है, लगता है इसको बहुत ही डांट पड़ी है इस बच्ची को, तभी ये रो रही है इधर। अभी हमको इतना तो क्लू मिल चुका है कि इस बच्ची का इस ढोल की साइड बहुत ही अच्छा नाता है, तो अभी हमको पता लगा ना कि अभी हमको यहाँ पिच फॉर्क मिल चुका है जिससे घास की सफाई होती है। और मैं आपको बता दूं कि इसके ढोल का इस लड़की की बहुत ही गहरे कनेक्शन है और हमको आगे की स्टोरी पता करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमको और स्टेचू ढूंढने पड़ेंगे जो हमको आगे की स्टोरी बताएंगे। अभी इधर हमको चाय मिल चुकी है और इसका इस हमको पता नहीं कहाँ पर गिरने पर, अभी देख दे अभी इस घास को हटा कर इसके अंदर भी चेक करके इसमें क्या मिलता है हमको, और यार इधर भी कुछ नहीं है। अभी हम लास्ट की साइड चल के देख दे, इधर एक ड्रॉअर इसको चेक करते हैं और इसमें देख दे हमको क्या मिला है, ये है। अभी हमको शॉवल मिल चुका है और हमको पता है इसका क्या करना है, अभी हमको उधर नीचे रास्ते में जाना है, यहाँ एक सुरंग बनी हुई है और वहाँ पर मिट्टी हटाकर हमको एक बुक चाहिए जिसका यूज करना है हमको आगे। अभी इस मिट्टी को हटाते हैं, इधर देखते हैं बुक मिलती है या नहीं, इधर तो बुक नहीं मिली। अभी आगे चल के देखते हैं आगे और भी मिट्टी लगी हुई है, इधर भी देखते हैं इधर भी नहीं मिली यार। अभी और आगे की साइड भी रास्ता हुए और इधर भी देख दिए, अभी हम डायरेक्ट सामने की साइड जा रहे थे और हमको रास्ता ब्लॉक मिला है इधर की साइड, तो इधर जाना नहीं पड़ेगा मुझको लगता है। हम इधर की साइड चल के देख दिए, इधर मिट्टी डली हुई है इसको हटाते हैं और देखते हैं इसमें बुक मिलती है नहीं, इसमें भी बुक नहीं है। आगे चलते जाओ भाई आगे चलते जाओ, रास्ता बहुत ही लंबा है। अभी हम सामने की साइड चलते हैं, इस वाले रास्ते ऊपर की साइड एक बाल्टी लगी हुई है, इधर हमको एक चाय भी मिलेगी तो इसको भी हम ले सकते हैं। अभी अभी नहीं ले रहे, अभी थोड़ा अंदर की साइड चल के देखते हैं इस सुरंग में हमको आगे कुछ मिलता है या नहीं। इधर मिट्टी डली इसको हटाते हैं फटाफट, देखते इधर बुक मिलती है या नहीं हमको, ओ भाई हमको इधर मिल चुकी है बुक, अभी हम इसको उठा लेते हैं फटाफट। अभी हमको बुक तो मिल गई है, तो ऐसे करते हम इधर से बाहर निकलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं बाहर की साइड। ओ स्टेजी वाले भाई साहब क्या कर रहे हो, मजे में हो या नहीं, अभी मुझको पता है इसका किताब का यूज क्या बार करना है, इसको हमको बेसमेंट के अंदर ले जाना है, तो फटाफट चलते हैं हम बेसमेंट की साइड। अभी हम ऊपर की साइड चलते हैं डायरेक्ट, वो देखो सामने रास्ता है उसी से ऊपर की साइड जाना है हमको, और वहीं से हमको एक स्टेचू मिलेगा जो हमको आगे की स्टोरी बताएगा। आप लोग एक्साइटेड हो आगे की स्टोरी जानने के लिए, तो जल्दी से कमेंट कर दो। इस जगह से बाहर निकलते हैं और डायरेक्ट चलते हैं बेसमेंट के पास, ये आ चुके हैं इधर की साइड और सामने की साइड बेसमेंट है, इस बुक को यहीं फेंकते हैं और डायरेक्ट चलते हैं नीचे की साइड और वहां से लेते हैं बाल्टी जिसमें हमको मिलेगी की, तो फटाफट चलते हैं डायरेक्ट अंदर की साइड और वहां से की लेकर आते हैं। अभी हम इधर की साइड आ चुके हैं उसी रास्ते से, और उस बाल्टी को हमको अभी नीचे की साइड उतारना होगा,
तो फटाफट से उस बाल्टी को उतारते हैं नीचे और लेकर चलते हैं डायरेक्ट। अभी डायरेक्ट चलते हैं बाहर की साइड और बेसमेंट के पास। हम इधर की साइड आ चुके हैं और फटाफट चलते हैं उसी साइड। इस बाल्टी में चाबी निकाल कर हम बेसमेंट को लॉक ओपन कर लेंगे। तो चलो फटाफट बाहर की साइड चलते हैं और इसको जमीन पर पटकते हैं बाल्टी को फटाफट। इधर ही फेंक देते हैं, ये फेंकी हमने बाल्टी, उसमें चाबी निकल चुकी है। और इसको हम फटाफट लगा देते हैं बेसमेंट को ओपन करने के लिए। यहाँ पर हमारी बुक डली हुई है। ओह उसके लिए डोल आ गई है, इस बुक को डाले थे फटाफट। अरे हट जाओ उसके लिए डोल, मेरे पीछे बचाओ। अरे इससे पीछे छोड़ेगा हमको किसी भी हालत में बेसमेंट में जाना पड़ेगा। इधर छुप जाता हूँ मैं। अरे अरे इसने देख लिया, अभी भी आ रही है इधर की साइड, और छुपना पड़ेगा। हो भाई अभी अच्छा हुआ ये अंदर की साइड जा रही है और हम चलते हैं डायरेक्ट बेसमेंट की साइड। फाइनली गाइस अंदर की साइड जा चुकी है और हमारे पास अभी मौका है अंदर जाने के। अभी हम डायरेक्ट अंदर चलते हैं और बैठ के जाना पड़ेगा। अभी चलो आ चुके हैं हम इधर की साइड और इधर हमको एक स्टेज ढूंढना पड़ेगा। ये डोर ओपन हो गए, अभी ये डोर भी ओपन हो चुका है और हमको मिल चुका है एक और स्टेचू। गाइस आगे की स्टोरी बताओ स्टेचू भाई साहब। अभी ये बच्ची अपनी डोल के साथ बैठी है यहाँ पर और इसकी मम्मी इसको ढूंढती हुई इधर आई और बोली अभी तुम्हारी पिटाई लगानी पड़ेगी, कहाँ चुप कर बैठी हो। और ये यहीं पर बैठी है, अभी क्या पता क्या कर रही है। अभी इस स्टेचू ने जो भी हमको स्टोरी बताई है उसके हिसाब से लड़की स्केरी डोल बन गई है और हमको इसको बचाना पड़ेगा, बात इससे ठीक करने पड़ेगी। तो चलो गाइस ऊपर की साइड चलते हैं फटाफट। अभी जल्दी हम डायरेक्ट इसके घर में और वहाँ से उठाते हैं रेविट का खाना और चलते किचन की साइड। अभी हम आ चुके हैं किचन की साइड और अरे गेट खुल जाए यार। अभी हमको इधर ही रेविट का खाना ढूंढने पड़ेंगे। इन ड्रॉअर में देखते हैं क्या पता इसमें रखा है, इसमें नहीं है, इस फ्रिज में देखते हैं रेविट का खाना। ओह मिल गया, अभी हमको एक बाउल चाहिए। ओह ये भी इधर ही मिल गया, तो फटाफट इसमें खाना भरते हैं रेविट का और रेविट को दे देते हैं खाना। वो देखते है कि ये नहीं, देखते रेविट कहाँ से आ रहा है। रेविट भैया खाना खा लो, वो आ गया, देखो रेविट आ चुका है और वो खाना खाने जा ही रहे। चलो फटाफट से इसको उठा लेते हैं और फटाफट से चलते हैं उसी साइड से बाना, उसकी साइड ही चलते हैं डायरेक्ट। और हमने जो रास्ते देखे थे उसी के रास्ते को फॉलो करते हैं, हमको दूसरे रास्ते पर जाना है। तो फटाफट से इस रास्ते से चलते हैं, दूसरे रास्ते को ढूंढने पड़ेगी। अभी हम डायरेक्ट अंदर की साइड आ चुके हैं और रेविट भी बहुत ही खुश लग रहा है हमारे हाथ में आकर, मगर इसको पता नहीं इसका आखिरी दिन है आज। अब इसको स्टेचू को दे देंगे। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा इसको नीचे छोड़ने का उस स्टेचू के पास, मगर क्या करूँ, मगर ले आना तो पड़ेगा भाई, हमें उसको लड़की को बचाना है। अरे कूटू कूटू, अरे कितना प्यारा रेविट है यार। इधर से डायरेक्ट चलो यार, अभी तो मेरा मूड खराब हो रहा है। तो फटाफट हम ऊपर की साइड चलते हैं और इस स्टेचू को दे देते हैं। इधर से साइड से चलते हैं डायरेक्ट। अभी गिरना जाऊँ मैं, मुझको ऐसे क्यों लग रहा है मैं गिरने वाला हूँ। अभी थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ओ भाई हम आखिरकार इधर की साइड आ चुके हैं और हमको स्टेचू ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। ओ भाई जरा भैया रेविट लो और मुझे आगे की स्टोरी बताओ। अभी ये बच्ची झूले झूल रही है और इसकी मम्मी किचन में, और वो किचन से बाहर की साइड आ रही है, उनकी हाथों में कुछ है, देख देख क्या है। और इस बच्ची से बोल रही है ये तुम्हारा खाना है। क्या ये इसका खाना है, ये तो रेविट का खाना है। अरे ये बहुत ही बेकार कर रही है अपनी बच्ची के साथ। ये रेविट आ रहा है, ओ इसने रेविट ने ये खाना खाना चालू कर दिया। ओ भाई स्टेचू ने हमको दिया एक डोल, इसको डायरेक्ट नीचे लेके चलते हैं। अभी हम गेम को खत्म ही करने वाले, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। ओ डायरेक्ट ही चलते नीचे की साइड। ओ भाई मैं गिर गया, वहाँ से हम गिरे और बेहोश हो गए, हमारे एक लाइफ खत्म हो चुकी है। अभी डे टू चालू हो चुके हैं। अभी मैं थोड़ी वीडियो को कट कर देता हूँ डायरेक्ट वहीं पर जहाँ हमारी डोल गिर चुकी थी और हम फटाफट उस डोल को लेकर चलते हैं। फाइनली गाइस हम इधर की साइड आ चुके हैं, वो डली है हमारी डोल और उसको लेकर चलते हैं हम डायरेक्ट स्टेचू के पास। अभी इसमें से किस स्टेचू को दूँ भाई, तुम मुझे काबिल लग रहे हो। मंत्र पढ़ते इस बच्ची की आत्मा को शक्ति। अभी ये स्टेचू कुछ बोल रहे हैं, जादू शक्ति यूज कर रहे हैं अपनी, अभी ये बच्ची को बिल्कुल अच्छी बना दी। फाइनली गाइस हमने बच्ची को बचा लिया। आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।